तो दोस्तों कई लोगों के लिए कोरोना और लॉकडाउन एक अभिशाप बन के आया है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये एक वरदान भी साबित हुआ है। मुझ जैसा स्टूडेंट जो हर समय कुछ नया पढ़ना चाहता है, नया सीखना चाहता है, नए कोर्सेज करना चाहता है, उसे हर वो चीज आज ऑनलाइन कोर्सेज सारे के सारे अवेलेबल हैं, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो बहुत ही कम दाम में। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 गवर्नमेंट वेबसाइट्स, इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स की बात करेंगे जिन्होंने अपने पोर्टल्स ओपन कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे दिया है और आपको स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्कूल एजुकेशन की कंटेंट तक, प्रोफेशनल कोर्सेस तक आपको सारा कंटेंट अवेलेबल होगा इन वेबसाइट्स। तो आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली वेबसाइट जिस पे हम बात करेंगे वो है ELIS, Enhancement in Learning with Improvement in Skills। सो दोस्तों ये AICTE के द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट है जो कि बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे अलग अलग 26 कोर्सेज इस वेबसाइट में अवेलेबल हैं, जो कि 18 अलग अलग ऑनलाइन कंपनीज के साथ टाई अप करके AICTE ने लॉन्च किया है। अगर आप इसमें सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो आपको 15 मई तक रजिस्ट्रेशन करना होता है इसकी वेबसाइट पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। दूसरी गवर्नमेंट वेबसाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है स्वयं। तो दोस्तों स्वयं एक ऐसी वेबसाइट है जो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो क्लास 9th में है या उसके ऊपर, तो 9th, 10th, 11th, 12th या आप ग्रेजुएशन में हैं, आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन कंटेंट की है, डिजिटल कंटेंट की है, वो आपको स्वयं की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। There are various courses like architecture, arts, law, mathematics, science, और ये सारा कुछ आपको video content, reading material, assessments या online platform के तौर पर available होता है। दोस्तों स्वयं की website में जितना भी material है वो सारा कुछ downloadable material है, आप download कर सकते हैं, access कर सकते हैं, printouts कर सकते हैं और जिस भी तरीके से आपको उसमें comfortable feel होता है आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी वेबसाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है दीक्षा। सो diksha.gov.in इसकी वेबसाइट है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, जिसमें क्लास 12 तक के 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में 8000 से भी ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। दोस्तों आपके पास जो भी बुक्स हैं उस बुक में QR कोड होगा, अगर आपको उसका डिजिटल कंटेंट चाहिए, ऑनलाइन मटेरियल चाहिए, तो आप उस QR कोड को स्कैन करके भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो चौथी गवर्नमेंट वेबसाइट है NROER, National Repository of Open Educational Resources। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो या तो स्टूडेंट हैं या तो प्रोफेशनल्स हैं। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ई बुक्स, ई लाइब्रेरी और ई कोर्सेस, 3000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, 1300 से भी ज्यादा सेशंस, 1600 से ज्यादा वीडियोस और 1800 से ज्यादा ऑडियो कॉन्टेंट इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। और दोस्तों जो हम पांचवी वेबसाइट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करती है और इस वेबसाइट का नाम है ई पाठशाला। तो दोस्तों ई पाठशाला एक NCERT के द्वारा दिया गया प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ई बुक्स प्रोवाइड करता है। ई पाठशाला की ऐप को 27 लाख से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, 500 से ज्यादा ई बुक्स, 2000 से ज्यादा वीडियोस, 1800 से ज्यादा ऑडियो कॉन्टेंट इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। और दोस्तों जो सबसे अच्छी बात इस वेबसाइट या इस ऐप की है कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इसमें से कोई एक ऐसी वेबसाइट या दो ऐसी वेबसाइट्स हो जो आपके कोर्स मटेरियल की कमी को पूरा करती हो, आपके स्किल्स को डेवलप करने में आपकी मदद करें। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए नीचे कि कौन सी वेबसाइट आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद थी। लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इन वेबसाइट्स के बारे में पता चल सके। Thank you. Have a great career ahead.